बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का पूरा इरादा रखता है, लेकिन पेरेंट्स के कुछ नेट प्रॉब्लम्स की वजह से अब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पाई, इसलिए हम व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू ही आप तक लेक्चर पहुँचाएँगे। तो आज हमारी मैथ की पहली क्लास है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो अपना टॉपिक देखते हैं हम, सेट्स क्या है। हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सेट क्या है और सेट कैसे फॉर्मेट करते हैं। जी, वी ऑफ्टन यूज वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही है, हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो चीज़ों की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड्स कौन से हैं, जैसे सोफ़ा सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, सोफ़ा सेट, ग्रुप ऑफ बॉयज़ और बंच ऑफ कीज। ये तमाम वो सेट चीज़ें हैं जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। द वर्ड सेट, ग्रुप, बंच शोज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें जो सेट, ग्रुप और बंच है वो चीज़ों की कलेक्शन को शो कर रहे हैं, रिप्रजेंट कर रहे हैं। इन मैथमेटिक्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। बिल्कुल ऐसा है कि मैथ्स में चीज़ों की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट। तो हमें पता चल गया मैथ्स में सेट किसको कहते हैं, चीज़ों की कलेक्शन को। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, किसकी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स की। वेल डिफाइंड जिसको हम मेजर कर सकें, जो काउंटेबल हो, जिसको हम बता सकें कि सेट है, और डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंस, मीन्स कि उसका सेट का एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट दूसरे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होना चाहिए। कोई एक या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट टू टाइम्स एक साथ नहीं आ सकते एक सेट में। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। वी हैव फर्स्ट एग्जांपल, अ सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वॉल्स हैं। यस वी नो देयर आर 5 वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम इसको लिख देंगे, सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर ए, ए उसके बाद है हमारे पास ई, आई, ओ, यू। तो सेट ऑफ वॉल्स हमारे पास आ गया है, ये पूरा सेट ऑफ वॉल्स। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम वेल डिफाइंड हम बता सकते थे कि वॉवल्स कितने हैं और डिस्टिंक्ट, ए ई से डिफरेंट है, ई आई से डिफरेंट है, आई ओ से डिफरेंट है, इसी तरीके से सारे डिफरेंट है। अ सेट, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो यू नीड, डू यू नो हाउ मैनी डेज ऑफ वीक। तो यस वी नो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो हमें ये पता है, हम जानते हैं, तो ये भी एक सेट बन जाएगा, ये भी एक सेट है हमारे पास। अब हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गया हमारे पास डेज ऑफ वीक। अब हम नेक्स्ट अपने सेट पर आते हैं, अ सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। अब हमने इसका सेट बनाना है, फेवरेट बुक्स का सेट बनाना है। अब हम इसका सेट बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। हो सकता है जो आपको फेवरेट बुक लगती हो वो किसी और को नहीं लगती हो, जो किसी और के लिए फेवरेट बुक हो वो आपके लिए नहीं हो। तो फिर आप इसमें कौन से लिखेंगे, आप क्या क्या कौन कौन सी बुक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेट नहीं है, इसको हम सेट नहीं बना सकते हैं। सेट हमेशा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम मेजर कर सकें जो काउंटेबल हो। तो इसके बारे में तो अभी हमें इबहाम है कि ये इस आपकी पसंदीदा है या फिर किसी और की पसंदीदा बुक्स है, या फिर आप उसको पसंद करते हैं इन बुक्स को, या फिर कोई और किसी और स्टूडेंट्स को वो पसंद नहीं है। तो ये सेट नहीं है। यहाँ तक हो गई सेट्स हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे कुछ सेट्स ऑफ नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर अलॉन्ग विद देयर नोटेशन आर गिवन एस। हमारे पास कुछ सेट्स हैं उनके नंबर्स के साथ। अब हम देखते हैं पहला सेट कौन सा है।
पहला सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा सेट होगा ये नेचुरल नंबर्स का, तो ये सेट हम देखते हैं। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब जब हम हमेशा काउंट स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा काउंटिंग जो है वो वन से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमने काउंटिंग जब स्टार्ट करनी होती है तो उनको काउंट करना होता है, तो हम हमेशा वन से काउंट करते हैं। एक चीज़ को एक, दो को दो, इसी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमने कभी ज़ीरो से नहीं स्टार्ट किया। तो नेचुरली हम हमेशा काउंटिंग जो है वो वन से स्टार्ट करते हैं। तो वन से जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली वन से हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो नेचुरल नंबर भी वन से ही स्टार्ट होते हैं। तो नो, जो नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वन टू थ्री फोर डॉट 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 कंटिन्यू एंड अप टू सो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। हमारे पास द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब हम आते हैं होल नंबर पर। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। तो होल नंबर क्या, अब हमारे पास जब नेचुरल नंबर हमने किए हैं तो उसमें क्या किया है कि हमने, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, हमारे पास वन था वन काउंट किया, टू के था टू काउंट किया। होल नंबर में क्या होता है, अगर हम ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, इफ़ वी हैव नथिंग, हमारे पास अब कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या काउंट करेंगे उसको, हम काउंट करेंगे ज़ीरो। क्या काउंट करेंगे उसको, ज़ीरो। सपोज करें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मार्कर्स थे, आपके पास फोर मार्कर्स थे, आपने वन को वन काउंट किया, टू को टू, थ्री के थ्री और फोर को फोर का। आपने कहा कि मेरे पास फोर मार्कर्स हैं, फिर आपके किसी फ्रेंड को वो नीड होती है या फिर आप शेयरिंग करते हैं तो आपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं। अब आपके पास एक भी मार्कर नहीं है तो अब आप क्या लिखोगे, यू हैव ज़ीरो, आपके पास कुछ नहीं है। तो होल नंबर हमेशा वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो के बाद उसी तरीके से ऑनवर्ड काउंटिंग आ जाती है, ज़ीरो के बाद उससे ग्रेटर वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, फिर डॉट डॉट डॉट, और डॉट मीन्स कंटिन्यू एंड अप टू सो। ये हो गए हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे हर तरह के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि हमारे पास और कुछ चीज़ है भी तो हम इसमें ऐसे आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो तब भी हम हमारे ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। अब होल नंबर के बाद है हमारे पास इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है हमारे पास, हम देखते हैं। अच्छा, हमने काउंटिंग तो सीख ली, होल नंबर भी आ गए, हमारे पास कुछ है तो कुछ नहीं है तो हमारे पास हमने क्या लिखना है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर थ्री और नंबर टू, ये लिखते हैं नंबर टू और थ्री। अच्छा, अब इसमें से ये है कि आपने किसी को, आप अपने किसी फ्रेंड से ये लेने हैं और किसी को ये देने हैं, इन दोनों में से कोई वैल्यूज़ है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने कौन से देने, ये देने, ये लेने, ये लेना है, ये देना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब लगाया जाएगा प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। जब हमारे लेन देन के मामला शुरू हुए तो हमें नहीं पता था कि हमने किसको क्या देने क्या देने हैं, तो हमारे उसके बाद हमने प्लस और माइनस का साइन लगाया तो अब हमें पता चल गया कि कौन सी हमने किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। पॉजिटिव टू मीन्स हमने लेना है, और नेगेटिव थ्री मीन्स, माइनस थ्री मीन्स हमने किसी को देना है, ठीक है। तो काउंटिंग आ गई, उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि हमने किसी को देने या लेने के लिए क्या सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, सबसे पहले इंटीजर्स को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स हैव बोथ वैल्यूज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डॉट डॉट डॉट, माइनस थ्री कोमा माइनस टू कोमा माइनस वन। सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को हमेशा कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं, उनके दरमियान में कोमा ज़रूर लगाते हैं। ज़ीरो, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू एंड पॉजिटिव थ्री, डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यू एंड अप टू सो, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू भी हमारी कहीं से भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, और हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी कहीं तक भी जा सकती है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से।
इवन नंबर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड इवन नंबर लाइक टू फोर सिक्स एट टेन डॉट 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 कंटिन्यू एंड अप टू सो वो नंबर्स जो टू से डिविजिबल हो सकें उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑड नंबर पर। ऑड नंबर पर क्या क्या होते हैं हमारे पास? ऑड नंबर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड ऑड नंबर, जो टू से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि वन थ्री फाइव सेवन डॉट 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 एंड अप टू सो। ठीक है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इस तरह के ये वाले नंबर्स। अब हम आते हैं अपने सेट ऑफ प्राइम नंबर पर। सो प्राइम नंबर्स को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, आप अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई ऐसे नंबर्स बताएं जो अपनी ही टेबल में आते नहीं और किसी टेबल्स में नहीं आते, तो आप कहते हैं टू थ्री फाइव सेवन, इस तरह के कुछ आप आंसर देते हैं। आप कहते हैं टू थ्री फाइव सेवन, इट्स मीन कि ये अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में भी आते हैं। टू वन ज़ टू, वन टू ज़ टू, थ्री वन ज़ थ्री, वन थ्री ज़ थ्री, फाइव वन ज़ फाइव, वन फाइव ज़ फाइव। तो इनके कितने फैक्टर हो गए? दो फैक्टर्स। द नंबर्स दैट हैव टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये सिर्फ अपने ही टेबल में नहीं आते बल्कि वन के टेबल में भी आते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया और नंबर्स ऑफ सेट पढ़ लिया विद देयर नोटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।